हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11:11 में। तो आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, नया वीडियो लेके आई हूँ एंजल नंबर 9:11 के बारे में, ठीक है। क्योंकि मुझे लगभग 2-3 हफ्तों से या लास्ट 2 मंथ, हाँ, हर एक बार क्वेश्चन आता है कि मैम 9:11 बहुत दिखता है, 9:11 बहुत दिखता है। अब इसका मीनिंग मैं आपको कमेंट में एक शब्द में नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन, आपकी करंट सिचुएशन, आपका कौन सा स्टेज चल रहा है, आपकी एनर्जी कैसी है। क्योंकि ये 9:11 नंबर आपके एनर्जी वाइज या फिर आपके सिचुएशन के अनुसार एंजल आपको गाइड करते हैं इस नंबर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एंजल आपसे कनेक्ट करते हैं नंबर के ज़रिए। तो तब ये नंबर दिखता है जब हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट आता है, तब आपके एंजल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं 9:11 के ज़रिए। तो इसके सारे के सारे मीनिंग आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। कोशिश करूँगी कि एक भी ना छूट पाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा सुनना, और मैं जब ये सारे साइन बताऊँगी तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आपको इन मीनिंग को अपने एनर्जी वाइज या अपने लाइफ में क्या सिचुएशन है उसके अनुसार अपने ऊपर रेजोनेट करना है। क्योंकि हर एक के अलग अलग कंडीशन के ऊपर ये नंबर लागू होता है, एंजल उनको गाइड करते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपकी कौन सी एनर्जी चल रही है, ओके। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये नंबर कर्मा का नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये एक एंडिंग और बिगिनिंग का नंबर है। 9 एक एंड को दिखाता है और 11 न्यू बिगिनिंग का नंबर है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो आपको पता है वैसे भी अगर कोई लाइफ में न्यू बिगिनिंग आती है तो उससे पहले कोई कर्मा का साइकिल एंड होता है, ठीक है। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, सबसे पहला साइन 9:11 दिखने का कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप कौन से स्टेज में चल रहे हैं जर्नी के, तो एंजल आपको बताएंगे। अगर आपको ये 9:11 दिखता है तो वो बताएंगे कि वो सारी एनर्जी एंड के तरफ जा रही है, मतलब एंडिंग का समय आ रहा है, ठीक है। अगर कोई पेनफुल कर्मा साइकिल चल रहा है और उस बीच में आपको 9:11 दिखता है तो समझ जाना कि वो कार्मिक साइकिल अब एंड होने वाला है और न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है। सेकेंड रीज़न, 9:11 आपको अगर दिख रहा है तो ये दिखाता है कि एक एंडिंग तो हो रही है लेकिन इसके बाद आपका दूसरा और के साथ कोई नई शुरुआत या न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है जो अच्छी है, जो पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे मैंने बताया है कि 9 एंड का है और 11 शुरुआत का है, तो ये दो मीनिंग आपके लाइफ में आ सकते हैं जब आपको दिखता है। क्यों अब आपको रेजोनेट करना है कि आपकी कौन सी सिचुएशन शुरू है, ठीक है। तो होप मतलब होपलेस नहीं होना है या हेल्पलेस फील नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी बहुत ही बुरी तरीके से हमें परेशान करती है। मैं जानती हूँ हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं जर्नी में, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही कंडीशन में हमें हमारे एंजल गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 9:11 बहुत पावरफुल नंबर है। उसके बाद अगला साइन, आपके चारों ओर जो इंटेंस चेंज की एनर्जी आपको हमेशा फील होती है, ठीक है। कई बार जर्नी में होता है या हम स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन जर्नी में हम बहुत ज़्यादा इंटेंस चेंज फील करने लगते हैं हमारे एनर्जी में, या फिर हमारे हम जहाँ रहते हैं, हमारा परिवार है या जहाँ काम करते हैं, तो वो एक के बाद चीज़ें जो बदलती रहती है, तो इससे हम परेशान हो जाते हैं या हमें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस जैसा फील होने लगता है। और अगर इस दौरान आपको 9:11 दिखता है तो आपके एंजल आपको बोल रहे हैं कि अब सारी एनर्जी सेटल डाउन होने वाली है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल नंबर तभी दिखते हैं जब हम हारने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तब ये करेज एक पावर वो हमें प्रोवाइड करते हैं, नंबर्स के थ्रू हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ कनेक्शन बनाने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद एक परफेक्ट टाइम जब भी 9:11 आपको दिखे तो समझ जाना कि आपके लिए एक
बहुत अच्छा टाइम आ रहा है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, ठीक है। अब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इनर वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको 9/11 दिखता है तो यूनिवर्स या एंजल आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपका जो जो ध्यान मेडिटेशन है आपको उसमें डीप जाना है, क्योंकि ये समय आपके रिफ्लेक्शन का है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ, क्योंकि काम आपको जित हर बार हम जब हीलिंग करते हैं तो हीलिंग को हम हर बार डीप ले जाते हैं, तो हर अगर आपका सबसे सब सही चल रहा है, आपकी एनर्जी बैलेंस में है, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको 9/11 दिख रहा है, तो समझ जाना कि और डीप जाने की ज़रूरत है, ओके। तो नेक्स्ट साइन इसका कि जब आपको 9/11 दिखता है तो आपके एंजल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, समझ जाना, नो डाउट। अगर आप हार रहे हैं, अगर आप थक रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नेगेटिव फील हो रहा है, और उस बीच में अगर आपको ये 9/11 बहुत बुरी तरीके से चेज कर रहा है, तो समझ जाना कि हर समय, हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड आपके गार्जियन एंजल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें हारना नहीं है, ये आपके एंजल आपको बोल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट साइन या मीनिंग इस नंबर का, ये 9/11 आपको तब भी दिखाई देगा जब आपके अंदर की फायर एनर्जी या आपके अंदर वो पावर है जो जिससे आप जो आपको पता ही नहीं है, मतलब अभी तक आप अपने आप से मिले ही नहीं है, तो बहुत काम कर लिया, लेकिन अब जब लाइट देने की हमारी बारी आई है, तो ये 9/11 आपको गाइड करता है कि आपके पास वो पावर है, वो पावर है जिससे आप अपनी भी लाइट चेंज कर सकते हैं और आप लोगों को भी लाइट देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस के टाइम जब आता है उनका, तब भी 9/11 दिखता है, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। नेक्स्ट है कि जब आपके लाइफ में बहुत कुछ खास आने वाला होता है या आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाले होते हैं, जैसे पोर्टल के समय अगर ये नंबर आपको दिखता है, तो समझ जाना आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहे हैं या आपका समय आने वाला है। हर एक पोर्टल में हमारा एक ना लेवल अप होता है, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट हमें दिया जाता है, अब वो आँखों से नहीं देखते लेकिन आपको फील होता है। तो जब 9/11 किसी पोर्टल के आगे पीछे आपको दिखता है, तो समझ जाना कि कुछ खास यूनिवर्सल गिफ्ट आपको मिलने वाला है। 9/11 आपको तब भी दिखाई देगा जब आपके लाइफ में एक डोर ओपन होता है, ठीक है, जब आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने लगती है या आपके लाइफ में आपके करियर से रिलेटेड कोई चेंज आता है पॉजिटिव, तब भी आपको 9/11 बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये नंबर आपको बताता है, आपके एंजल आपको गाइड करते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको उसे पहचान कर उस पर पॉजिटिविटी से वर्क करना है, ताकि आप अपने लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसका लाभ उठा सके, ठीक है। तो ये एक अवेयरनेस का नंबर है, ये बताता है। तो हर बार लाइफ में आपके बहुत सारे चेंज होते हैं, लेकिन हम जब काम करते हैं तो करे जाते हैं, लेकिन कोई नंबर अगर हमारा पीछा करता है, वह बार बार हमारा ध्यान उसके तरफ जाता है, हमें अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब ये है कि एंजल हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो अगर आपको इस तरह से नंबर दिखता है, तो कभी भी इग्नोर नहीं करें। अब मैं यहाँ पे एक बात और करेक्ट करूँगी कि नंबर वही आप ले लेना जो नंबर आपको कंटिन्यू दिखता है। वैसे तो एंजल नंबर बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन एक ही नंबर, जैसे होता है ना 6969, बहुत सारे लोगों को कंटिन्यू दिखता है, तो 9/11 का भी वैसा है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको दिखता है, तब इसके मीनिंग आप पर रेजोनेट होंगे, ठीक है। चलो आगे, तो 9/11 आपको तब भी दिखाई देगा जब आप अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे होंगे। ये दिखाता है कि आपको अपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप अंदर जाना है। अगर आप अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे या फिर आप 3D में ज़्यादा है, तब भी ये आपको एक वार्निंग की तरह आपका पीछा करेगा। नेक्स्ट है कि आपको अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए, भले ही आपके लाइफ में कितने भी मुश्किलें हैं या आप सेपरेशन में हैं या बहुत पेन में हैं या आप डार्क नाइट में हैं, लेकिन ये नंबर अगर आपको दिख रहा है और आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, तो आपके एंजल आपको बोल रहे हैं कि अपने आप से ईमानदार रही है, मतलब अपने शाडो को देखने का समय आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक शाडो नहीं हटेंगे तब तक लाइफ में लाइट नहीं आएंगी, ठीक है। तो तब भी ये नंबर आपको दिखेगा जब आपके शाडो को देखने का समय आता है।
नेक्स्ट है कि अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है या आपने किसी के लिए गर्जस रखा है या बहुत खटास है या हेट है आपके दिल में, तब ये नंबर आपको पीछा करेगा क्योंकि ये आपको हार्ट चक्र कि ऊपर नहीं जाने देगा। और एंजल चाहते हैं कि जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, आप फर्ग्यूनिस के एनर्जी में नहीं रहेंगे, तो आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा। तो इस ब्लॉक को हटाने के लिए 9-11 आपको दिख सकता है, जो बताता है कि आपको फर्ग्यूनिस की एनर्जी में आना है ताकि आप हार्ट चक्र के ऊपर जाए और आप अपनी यूनियन का डोर ओपन कर सकें। उसके बाद ये इंट्यूशन का भी नंबर है, मतलब अगर आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान नहीं देते तो उस दौरान भी आपको लगातार ये दिखाएगा, लगातार ये नंबर आपको दिख सकता है, जो बताता है कि आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना है ताकि आप जो बाहर क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं वो आपको आपके अंदर ही मिले। ओके, उसके बाद ये नंबर ये भी दिखाता है कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है या कंटिन्यू इनर वर्क करते हैं, बैलेंस में है, तो उनको एक 9-11 ये बताता है कि आप हायर लेवल के कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ चुके हैं और आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ चुकी है, जो आप सोचेंगे वो आप पाएंगे। तो आपको ये बताया जाता है कि अपने थॉट पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन का टाइम आ चुका है या आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। 9-11 आपको तब भी दिखेगा, जैसे मैंने आपको बोला है कि 9 ये एक कर्मा का नंबर है, एक एंडिंग का नंबर है। तो जब ये नंबर दिखता है तो समझ जाना कि एक और साइकिल में आपने एंटर कर लिया है, एक साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में सारा कर्मा रिलीज हो जाए, हर बार हम एक नई साइकिल में एंटर होते हैं और हर बार वो एक पुराना कर्मा साइकिल एंड होता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है कि आप एक साइकिल को एंड करके एक नए साइकिल में एंटर हो चुके हैं, जो खुद का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपको कंटिन्यू करना है, आपको लेसन लर्न करना है, ठीक है, और आपको खुद को ग्रो करना है, सोल को इवॉल्व करना है, ठीक है। जब ये 9-11 दिखता है तो समझ जाना कि आपने अपने बेस्ट वर्जन के लिए पहला स्टेप ले लिया है, अगर आप न्यू अवेकनिंग में आ चुके हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप अपने भविष्य पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जब 9-11 दिखता है तो इसका मीनिंग ये भी होता है कि आप अपने फ्यूचर पर ट्रस्ट करते हैं और आप जितना अपने सोल पर फोकस कर रहे हैं उतना ही आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, मतलब आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है। तो एक ब्लेसिंग की तरह ये आपको तब भी दिखता है। हो सकता है कि ये वो एनर्जी है कि उस टाइम आपको कुछ चाहिए वाली एनर्जी है ही नहीं, आप एक सरेंडर और गो विद द फ्लो की एनर्जी में है और तब आपको 9-11 दिखता है। इसका मतलब आपको ट्रस्ट है कि जो भी होगा मेरे लिए बेस्ट ही होगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट ये नंबर दिखाता है। तो नेक्स्ट है कि आपका मैनिफेस्टेशन जब पूरा होने होता है तब ये नंबर आपको दिखता है, मतलब जब 9-11 आपको दिखता है और आप अच्छे खासे हाई वाइब्रेशन में हैं, आप बैलेंस में हैं, आप यूनियन में हैं, या फिर आप हार्ट चक्र के ऊपर जा चुके हैं या थर्ड आई तक आप जा चुके हैं, तो समझ जाना कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ये ऑन द वे है, जो आपने मैनिफेस्ट करने के लिए छोड़ा था वो ऑन द वे है, वो पूरा होने वाला है। जब कोई डिज़ायर हमारी पूरी होती है तब भी 9-11 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 9-11 एंजल नंबर आपको तब भी दिखाई देता है जब आपको अपनी पर्पस के लिए डिसीजन लेना होता है। मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से बैलेंस है, हील है, यूनियन में है, और आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं। तो ये नंबर आपको दिखाता है कि अब आपको अपने पर्पस के लिए डिसीजन लेना है। इंट्यूशन को सुने, उस पर ट्रस्ट करें और उसके अनुसार डिसीजन लें, ये भी दिखाता है। बहुत से लोगों को न्यू अवेकनिंग में भी 9-11 नंबर दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ईगो को छोड़ना शुरू कर दिया है, आपने अपने 3D का नकली मास्क जो आपने लगाया था वो आपका उतरने लगा है, मतलब आपने अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ने के लिए आप आगे बढ़ चुके हैं या आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक और 9-11 का मीनिंग ये है कि जब सही से सब कुछ सही है, यह आपको बताता है कि आप सही ट्रैक पे हो,
उसके बाद मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये कर्मा का नंबर है, मतलब जिस प्रकार का आपका इनर वर्क होगा, जिस प्रकार का आपका काम होगा, जिस प्रकार की आपकी अवेयरनेस होगी, उसी प्रकार से चीज़ें आपके लाइफ में आपको दिखाई देंगी हर एक पोर्टल के बाद या हर एक एनर्जी शिफ्ट के बाद। तब आप दूसरों को जज नहीं करेंगे कि इसने ये किया उसने वो किया, जैसा आप करेंगे उसी हिसाब से चीज़ें आपके लाइफ में घटित होंगी। तो ट्विन फ्लेम में ये जो नंबर है ये यूनिटी, पीस और अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, ठीक है। जब आपको 9-11 नंबर दिखाता है, चाहे आपकी सिचुएशन कोई भी हो, चाहे आप कट ऑफ सिचुएशन में हो, चाहे आप साइलेंट में हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, या आपका जो ट्विन है वो थर्ड पार्टी में ही क्यों ना हो, ठीक है, तो ये नंबर आपको, फिर भी ये नंबर आपको दिखाता है कि आप दोनों में यूनिटी, पीस, अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहेंगी और आप एक दूसरे को एक चुंबक की तरह हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एनर्जी वाइज, ठीक है। उसके बाद 9-11 एक अटेंशन दिखाता है, जब आप भटक जाते हैं तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाइए, स्लो डाउन हो जाइए और सुने कि आपके एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। 9-11 आपको तब भी दिखाई देगा जब आप स्टक एनर्जी को फील करेंगे, ठीक है। कई बार हम स्टक क्यों फील करते हैं, क्योंकि हम हमारा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो 9-11 अगर आपको दिख रहा है और उसी टाइम आप स्टक में हैं, तो समझ जाना कि ये आपको बता रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। जब खुद के लिए डाउट आता है, डीएम के लिए आता है, जर्नी के लिए आता है, नेगेटिविटी फील होती है, तब भी 9-11 आपको दिखाई देता है, जो बोलता है कि डाउट की एनर्जी से बाहर निकले। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बैगेज आप लेकर चलते हैं उसको लेट गो करने का जब समय आता है, तब भी 9-11 आपको दिखाई देगा। मान लीजिए कि जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी आप उसे कंटिन्यू लेके चल रहे हो साथ में, और उसी वजह से आपकी लाइफ में एक पेनफुल लूप चलता रहता है, तो वो एनर्जी को जब लेट गो करने का समय आता है, तब आपको 9-11 दिखेगा, क्योंकि वही एनर्जी आपका ब्लॉक होता है। और 9-11 आपको बोलता है कि आप जब तक वो पैकेज को रिलीज़ या लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपका लेवलअप नहीं होगा, ठीक है। खुद के लिए ईमानदार रहिए, ऊपर बताया है। एक कर्मा जब आपका ख़त्म होता है या जब कर्मा से निकलने का टाइम आता है, तब भी 9-11 बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है। और लास्ट है कि रीयूनियन का ये नंबर है, मतलब ये दिखाता है कि आपका यूनियन, आपका कम्युनिकेशन, आपके डीएम से मिलना आपका बहुत करीब है, या कुछ ही हफ्ते में या कुछ ही दिनों में जब होने वाला होता है, या डीएम से आपकी मुलाकात होने वाली होती है, या डीएम डीएफ एक दूसरे के सामने आने वाले होते हैं, तब भी 9-11 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये था वीडियो। अब आप अपनी सिचुएशन के अनुसार अपनी एनर्जी वाइज इस मीनिंग को अपने लाइफ में रेजोनेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग पैटर्न चलता है, तो उसके हिसाब से ये एनर्जी आपके साथ मैच होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।